हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रेबल पांडे और आप देख रहे हैं रेबल शॉर्ट्स। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा को कौन नहीं जानता। इनकी चमत्कारों के किस्सों से किताबें भरी पड़ी हैं और ऐसे ही एक चमत्कार के दर्शन आज मैं आपको कराने वाला हूँ। शिवलिंग की पूजा तो आप करते ही होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा शिवलिंग है जिसे इंसान ने नहीं बनाया और वो साल दर साल अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, तो कैसा लगेगा आपको। ऐसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मदौरा गांव में। यहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो भूतेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह हर साल 6 से 8 इंच बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात तो ध्यान देने लायक ये है कि भूतेश्वर नाथ शिवलिंग जमीन से करीब 18 फुट ऊंचा और गोलाई में करीब 20 फुट है, और अगर हर साल बिना किसी मानवीय गतिविधि के इसकी लंबाई अपने आप ही बढ़ती जा रही है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके पीछे एक मशहूर कहानी भी है। कहते हैं कि कई सौ साल पहले इस इलाके में शोभा सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था, जो रोज अपने खेतों में काम करने जाता था। फिर अचानक उसके खेतों के पास एक टीले से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। गांव वालों के साथ मिलकर ढूंढा तो जानवर तो नहीं मिला, लेकिन एक छोटा सा शिवलिंग जरूर मिल गया, और देखते ही देखते हर किसी को उसमें आस्था बढ़ने लगी। जल्द ही पूजा अर्चना का केंद्र बन गया और वो तब से लेकर हर साल उसका आकार बढ़ रहा है और लोगों का उसमें विश्वास भी। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहां इसे भगुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रसिद्धि अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। घने जंगलों में स्थित होने के बावजूद इस मंदिर में भक्तों का तांता हर समय लगा रहता है, और कहते हैं कि यहाँ पर मांगी गई सारी मन्नतें कभी जाया नहीं जाती। आस्था और विश्वास के आगे कोई तर्क नहीं चलता, और शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाए, क्योंकि इस शिवलिंग की लंबाई और गोलाई हर साल अपने आप बढ़ती जा रही है। बम भोले कुछ कहना चाहते हैं शायद, कुछ और नहीं तो प्राकृतिक चमत्कार को देखने ही कभी जाइए जरूर। ऐसा दुनिया में रोज रोज नहीं होता। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।